लेकिन अगर राज्यों का भी ये कार्यक्रम बन जाए, राज्य तय करे कि हमारे राज्य के जितने व्हीकल हैं उसमें हम सबसे ज्यादा बायोफ्यूअल ब्लेंडिंग करके ही व्हीकल चलाएंगे, देश में कंपटीशन का माहौल बनेगा। देखिए, पर्यावरण मंत्रालय को इस पॉलिसी को ओन करना होगा, उसे ग्राउंड पर मजबूती से ले जाना होगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग के नए रिकॉर्ड आज भारत बना रहा है, अगर राज्य भी इसके साथ जुड़ जाए तो हम कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं। मेरा तो सुझाव ये भी होगा कि हम इथेनॉल उत्पादन और इथेनॉल ब्लेंडिंग राज्यों के बीच में स्पर्धा हो, साल में एक बार उनको सर्टिफाई किया जाए कि कौन राज्य, और इसके कारण हमारे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। खेत का जो वेस्ट है वो भी इनकम देना शुरू कर देगा। हमें इस हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना है। ये तंदुरुस्त स्पर्धा राज्यों के बीच, शहरों के बीच होती रहनी चाहिए। देखिएगा, इससे पर्यावरण की रक्षा के हमारे संकल्प को जन भागीदारी की ताकत मिल जाएगी, और जो चीज आज हमें रुकावट लगती है वो हमारे लिए नई क्षितिजों को पार करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाएगी। अब देखिए, हम सब ने अनुभव किया है कि एलईडी बल्ब बिजली बचाता है, कार्बन एमिशन बचाता है, पैसे बचाता है। क्या हमारा पर्यावरण मंत्रालय, हमारा राज्य का बिजली मंत्रालय, हमारा राज्य का अर्बन मंत्रालय लगातार बैठ करके मॉनिटर करे, भाई एलईडी बल्ब हर स्ट्रीट लाइट पर लगा है कि नहीं लगा है, हर सरकारी दफ्तरों में एलईडी बल्ब लगा है कि नहीं लगा है, एलईडी का जो ये सारा मूवमेंट चला है, जो इतनी बचत करता है, पैसे बचाता है, एनवायरमेंट की भी सेवा करता है, आप इसको लीड कर सकते हैं, आपका डिपार्टमेंट लीड कर सकता है। उसी प्रकार से हमें हमारे संसाधनों को भी बचाना है। अब पानी, हर कोई कहता है पानी को बचाना ये बहुत बड़ा काम है। अभी जो हमने आजादी का अमृत महोत्सव में 75-75 अमृत सरोवर बनाने के लिए कहा है, क्या पर्यावरण मंत्रालय, वन विभाग इसको लीड कर रहा है क्या, जल संरक्षण का बल दे रहा है क्या? उसी प्रकार से पर्यावरण मंत्रालय और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिल करके भाई ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, उस पर बल देता है क्या? यानी पर्यावरण मंत्रालय ऐसा है कि जो हर मंत्रालय को दिशा दे सकता है, गति दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है और परिणाम ले सकता है। आजकल हम देखते हैं कि कभी जिन राज्यों में ग्राउंड वाटर ऊपर रहता था, वहां आज पानी के लिए बहुत बड़ा जंग करना पड़ रहा है, पानी की किल्लत है, हजार हजार 1200-1200 फीट नीचे जाना पड़ रहा है। साथियों, ये चुनौती सिर्फ पानी से जुड़े विभाग की नहीं है, बल्कि पर्यावरण विभाग को भी उसे इतना ही बड़ी चुनौती समझना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि देश के हर जिले में, जैसा मैंने आपको कहा, अमृत सरोवर का अभियान चल रहा है। अब अमृत सरोवर वाटर सिक्योरिटी के साथ ही एनवायरमेंट सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से इन दिनों आपने देखा होगा हमारे किसानों में केमिकल फ्री खेती, नेचुरल फार्मिंग। अब यूं तो लगता है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, लेकिन अगर हमारा पर्यावरण मंत्रालय जुड़ जाए तो उसको एक नई ताकत मिल जाएगी। प्राकृतिक खेती, ये भी पर्यावरण की रक्षा का काम करता है, ये हमारी धरती माता की रक्षा करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए ही मैं कहता हूं कि बदलते हुए इस समय में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पार्टिसिपेटिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर काम करना बहुत आवश्यक है। जब पर्यावरण मंत्रालय की दृष्टि बदलेगी, लक्ष्य तय होंगे, राह निर्धारित हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है साथियों
प्रकृति का भी उतना ही भला होगा। साथियों, पर्यावरण की रक्षा का एक और पक्ष जन जागरूकता, जन भागीदारी, जन समर्थन, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन ये भी सिर्फ सूचना विभाग या शिक्षा विभाग का काम नहीं है। जैसे आप सभी को भली भांति पता है कि देश में जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब सचमुच वो आपके लिए भी उपयोगी है, आपके डिपार्टमेंट के लिए, उसमें एक विषय है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पर, उस पर जोर दिया गया है। अब ये एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग क्या पर्यावरण मंत्रालय ने शिक्षा विभाग के साथ बात की क्या कि भाई आप स्कूल में बच्चों को पेड़ पौधों के विषय में जरा पढ़ाना है तो उनको जरा बगीचे में ले जाइए, गांव के बाहर जो पेड़ पौधे हैं वहां ले जाइए, पेड़ पौधों का परिचय करवाइए। अब ये शिक्षा मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय मिलकर के काम करें तो उन बच्चों में पर्यावरण के प्रति स्वाभाविक एक जागरूकता आएगी और इससे बच्चों में जीव विविधता के प्रति जागरूकता आएगी और पर्यावरण की रक्षा के लिए उनके दिल दिमाग में वो ऐसे वाले समय में पर्यावरण की रक्षा के एक बहुत बड़े सिपाही बन जाएंगे। इसी तरह अब जैसे जो बच्चे हमारे समुद्री तट पे हैं या नदी के तट पे हैं, वहां बच्चों को ये पानी का महत्व, समुद्र की इकोसिस्टम क्या होती है, नदी की इकोसिस्टम क्या होती है, वहां ले जाकर उनको सिखाया जाए मछली का क्या महत्व होता है, मछली भी किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा में मदद कर रही है, सारी बातें उन बच्चों को लेकर के समझाएंगे। काम तो शिक्षा विभाग का होगा लेकिन पर्यावरण के विभाग के लोग तो आप देखिए पूरी नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी। हमने अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करना है, संवेदनशील भी करना है। राज्यों के पर्यावरण मंत्रालय को इससे जुड़े अभियान शुरू करने चाहिए, योजनाएं बनानी होगी। अब जैसे किसी स्कूल में फल का कोई पेड़ है तो बच्चे उसकी जीवनी लिख सकते हैं, पेड़ की जीवनी लिखे, किसी औषधीय पौधे के गुणों के बारे में भी बच्चों को निबंध लिखवाया जा सकता है, वक्तृत्व स्पर्धा की जा सकती है। हमारे राज्यों की यूनिवर्सिटीज और लेबोरेटरीज को भी जय अनुसंधान इस मंत्र पर चलते हुए पर्यावरण रक्षा से जुड़े इनोवेशंस को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। पर्यावरण की रक्षा में हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जैसे जो वनस्थान है, जंगल है, उनमें जंगलों की स्थिति का निरंतर अध्ययन बहुत जरूरी है। हम स्पेस टेक्नोलॉजी से हम लगातार अपने जंगलों का मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बदलाव आए तो तुरंत मार्क कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। साथियों, पर्यावरण से जुड़ा एक और अहम विषय है फॉरेस्ट फायर का भी। जंगलों में आग बढ़ रही है और भारत जैसे देश के लिए अगर एक बार आग फैल गई तो हमारे पास उतने संसाधन भी कहां है कि हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से आग को बुझा पाएंगे। दुनिया के समृद्ध देशों को आपने देखा होगा टीवी पे, चाहे पश्चिमी अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पिछले दिनों यहां जो फॉरेस्ट फायर हुआ, जो जंगलों में आग लगी, कितनी तबाही हुई, वन्य पशुओं की बेबसी, इवन जनजीवन को भी प्रभावित कर दिया। उसकी एशिज के कारण मीलों तक लोगों का जीना मुश्किल हो गया। वाइल्ड फायर की वजह से ग्लोबल एमिशन में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है जी, नगण्य है, लेकिन फिर भी हमें अभी से जागरूक होना होगा, अभी से हमारी योजना होनी चाहिए, हर राज्य में फॉरेस्ट फायर फाइटिंग मैकेनिज्म मजबूत हो, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, ये बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से हम सबको मालूम है आखिरकार आग लगने का कारण क्या होता है, जो सूखे पत्ते जंगलों में पड़ते हैं
उनका ढेर होता और एकाध छोटी सी गलती देखते ही देखते पूरे जंगल को आग पकड़ लेती है। लेकिन अब इस जंगलों में जो वेस्ट पड़ता है ना, पत्तियां पड़ती हैं, पानखर के अंदर जब सारा जंगल जमीन पर सब पत्तियां नजर आती है, आजकल उसका भी सर्कुलर इकोनॉमी में उपयोग होता है। आजकल उसमें से खाद भी बनता है, आजकल उसमें से कोयला बनाया जाता है, मशीन होते आकर के उसमें से कोयला बनाया जा सकता है, वो कोयला और कारखानों में काम आ सकता है। मतलब हमारा जंगल भी बच सकता है और हमारी ऊर्जा भी बच सकती है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमें इसमें भी फॉरेस्ट फायर के लिए हमारी जागरूकता, वहां के लोगों को और उनकी इनकम का भी साथ, जंगल में रहते हैं जैसे हमारा वन धन पर बड़ा बल है, उसी प्रकार से इसको भी एक धन मान करके हैंडल किया जाए तो हम जंगलों की आग को बजा सकते हैं। हमारे फॉरेस्ट गार्ड को भी अब नए सिरे से ट्रेनिंग देने की बहुत जरूरत है जी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नए पहलुओं को जोड़ने की आवश्यकता है। पुराने जमाने के जो बिडगार्ड होते हैं उतने से बात बनने वाली नहीं है। साथियों, मैं आप सभी से एक और महत्वपूर्ण बिंदु की भी चर्चा करना चाहता हूं। आप भली भांति जानते हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना देश का विकास, देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास सफल नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस के नाम पर देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कैसे उलझाया जाता था। आप जिस जगह पे बैठे हैं ना, ये एकता नगर में, ये हमारी आंखें खोलने वाला उदाहरण है। कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। आपको जानकर के हैरानी होगी साथियों, ये जो सरदार सरोवर डैम एकता नगर में आप बैठे हैं ना, इतना बड़ा जलाशय देखा होगा आपने, इसका शिलान्यास देश आजाद होने के तुरंत बाद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था, लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए, दुनिया के लोग आ गए, अपप्रचार किया, ऐसा ये पर्यावरण विरोधी है यही अभियान चलाया और बार बार उसको रोका गया। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद। बताइए कितना देश का पैसा बर्बाद हो गया और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया। मतलब कितना झूठ चलाया था। और ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनके खेल खेल रहे हैं, उनके झूठ पकड़े गए वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। साथियों, भारत में विकास को रोकने के लिए कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी, कई फाउंडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विषय पकड़ करके तूफान खड़ा कर देते हैं। और